देखो गाइस अभी लग रहा है अमित भाई के मैं रियर टायर डनलप का 160 सेक्शन और मेरे में दिखा दो भाई इनकी बाइक पे तो लगी लगाओ कुछ मेरे पे लगाओ बवाल 170 कुछ बवाल सा लगाओ ये। अरे भाई अंकल को इनको रेस करनी है अभी डाल देना ट्रैक पर गायब हो जाऊंगा गायब। और टायर तो आपको पता ही है पीछे का अपना चेंज हो गया है ये लगा इसमें डनलप का टायर और भाई बहुत सही लग रहा है ग्रिप वगैरह भी सही आ रही है बाकी सस्पेंशन देखो आप मेन ये है ना ये उठ गया यहाँ से। भाई अभी देखो दिन के बज रहे हैं दिन के क्या सुबह के 11 बज रहे हैं भाई और आज बाइक देखो रोड पे लगी हुई हमारी रोड पे क्या अभी घर के बगल में पेट्रोल पंप वहाँ पर रुका हूँ। विपुल भाई आ रहे थे भाई विपुल भाई पता नहीं कहाँ वहाँ पे कुछ शॉप में कुछ ले रहे शायद जो भी कर रहे हैं। और भाई ये देखो बाइक मेरी पहले इसको ना ऑफ कर देते हैं और आज जा रहे हैं हम एक थोड़ी लंबी सी राइड करने। राइड क्या आज मैंने अपना एक व्लॉग जो 26 जनवरी वाला था वो भी पब्लिक किया है तो आई होप आपने वो देख लिया होगा और नहीं देखा तो भाई देख लेना उसे। बाकी आज तो हम जाएंगे राइड पे और भाई इसका टायर भी ना चले गया है पूरा क्या बोलते हैं गंजा हो गया। देखो अभी लास्ट 26 जनवरी वाली राइड पे भी मैं ऐसे ऐसी चला कर आया तो आज इसका टायर भी चेंज करा देंगे और हम जा रहे हैं हरिद्वार की साइड तो वहाँ पे 97 भाई लोग के पास जाते हैं उनसे भी मिलते हैं वहाँ तक हमारी राइड भी हो जाएगी और टायर वायर का काम भी करवा देंगे। बाकी देखो विपुल भाई वो आ रहे हैं मोड़ते वहाँ से भी वापस जाना है वहीं जाना है वहीं जाना है। हाँ जी क्या हाल है चलो यहीं से जाना वापस अरुणेश के घर पहले भाई अरुणेश भी आ रहा है हमारे साथ में आज चलो। हाँ अपने पीछे बैठा बाइक में नहीं आ रहा हो उसकी बाइक का टायर वो हो रहा ना पानी भरा हुआ उसमें बॉबल कर रहा हो क्या अब पूछता उसको घर उससे पहले लेने तो चलो लेट्स गो। आज हम तीन लोग जा रहे हैं भाई राइड पर अरुणेश भी आ रहा है उसको प्लियन में लेके जाएंगे मतलब मेरे पीछे जाएगा देखते हैं। बूम बूम सही आवाज आ रही है इसके एग्जॉस्ट से टायर में भाई वही नहीं है ग्रिप तो व्हील ही उठी नहीं रही है टायर स्पिन हो जा रहा है कहाँ रह गए लौंडे आ जाओ आ गए क्या तो भाई अभी पहले उठाते हैं अरुणेश को और आज की राइड होगी हमारी हरिद्वार तक पता नहीं कितना हरिद्वार यहाँ से शायद 60 किलोमीटर के आसपास है तो हम वहाँ पे जाएंगे अक्षय भाई के पास अक्षय भाई को जो जानते हो तुम 90s रिमन तो उनसे भी मिलते हैं और नया टायर भी डलवाते हैं आज बाइक में क्योंकि अब बाइक में टायर चेंज कराने की नौबत कह रहा हूँ मैं जरूरत आ गई है भाई खत्म हो गया है टायर क्योंकि अरुणेश के घर का तो रास्ता ही बंद है अब यहाँ से इसे पैदल आना पड़ेगा ज़्यादा तेज कर दिया गया मैंने वो कॉलोनी के अंदर हेलमेट लेके आई हो मेरे यहाँ पे भयंकर RR का स्टिकर भी निकल गया गाइस किसी ने निकाल दिया यहाँ से चिपका हुआ होता है जो बढ़िया लाया हेलमेट। हाँ भाई वैलेंटिनो रॉसी बद्रीपुर के आज अरुणेश की बैंड बजेगी पीछे आज समझ आएगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ क्योंकि जाना है थोड़ा सा दूर भाई हरिद्वार जाना है देहरादून से हरिद्वार कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगेगा एक तो लगेगा। सही लग रही है सही लग रही है चल ठीक है तेरे को भी बिठाऊंगा एक दिन ठीक है बैठेगा यहाँ पे बैठेगा या पीछे बैठेगा जल्दी बता अभी जल्दी बता हंस क्यों रहा पीछे पीछे की सीट तो बहुत ऊपर है यार भाई यार सी कितनी सही लगती है ना वैसे देखने में एक तरफा अगर उसमें राइडिंग सूट पहन के चलाओ ना ऐसे ओए होए बहुत हैवी सी लग रही है कभी तो ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है है बता जल्दी बता यार ये वाली अच्छी है ना उसके पास बोलिए उसकी वाली गंदी है क्या हो गया इसमें क्यों नहीं बैठ रहा है उतर गया भाई यहाँ से
इसमें सही लग रहा है? शूट तो नहीं हो रहा है? शूट हो रहा है, बोलो क्या बोलना चाहते हो? अंकल यहाँ तक आ जाएगा पाइप? अबे यार आगे जाना पड़ेगा मुझे भाई, आगे वाले में तो लाइन लगी हुई है। पेट्रोल भरवा दिया भाई, और पेट्रोल भराने में लग गया है काफ़ी ज़्यादा टाइम। ये दोनों तीनों लौंडे खड़े करके अरुणेश बैठ गया एडवेंचर के पीछे, कह रहा तुम्हारे पीछे नहीं बैठ रहा हूँ मैं, डर लग दिया कि मुझे। और भाई धूप सही हो रही है आज, तो आज अपने टिंटेड वाइजर का पूरा यूज़ करेंगे भाई। गोप्रो का एंगल सही होना चाहिए बस अपना। यह विपुल भाई, इसमें मैंने अभी 500 का तेल भरा है, लेकिन ये उठ क्यों नहीं रहा है भाई? इसकी डंडियाँ अभी तक नीचे क्यों है? बाइक चल रही है अर्बन मोड में। ओके अब जाके बढ़ रहा है, देखो धीरे धीरे रेंज तो आ गई वैसे अच्छी खासी, 249 की रेंज आ गई है, तो चल जाएगा आज का काम हमारा। और एक बार ना मैं यहाँ पे ट्रिप अपनी एक जीरो कर देता हूँ, पता चल जाएगा कि यहाँ से हरिद्वार कितना है। तो ट्रिप सी कर देते हैं हम यहाँ से जीरो, क्योंकि अभी तो हम देहरादून में ही है। देखो यह अंकल मस्त हाथ में सुट्टर, नीचे है मर्सिडीज, पूरे मजे लिए जा रहे। अरे भाई अंकल को इनको रेस करनी है, अभी डाल देना ट्रैक बोर्ड, गायब हो जाओगे गायब। मैं अगर फाड़ दी भाई उन्होंने पूरी, इसमें तो लिमिटर आ रहा है, इसको स्पोर्ट्स में डालो। अभी बताते मर्सिडीज को, विपुल भाई ने लगा रखे पीछे उसके भाई। नंबर कहाँ का है? इससे ना जाओ मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें कहाँ का नंबर है। आने दो, यहाँ का तो होगा नहीं है पक्का, मैं गारंटी देके बताता हूँ कि दे रहे तो उनको तो होगा नहीं है, ये होगा बाहर का, इसलिए से ज़्यादा मज़ा आ रहा है चुल लेने में। छूट गया बेचारा पीछे, अब भरेगा यहाँ पे टोल पहले फिर आएगा आगे। हम तो निकल जाएंगे साइड साइड से। भाई मजा आ गया, चलो बैंकर भाई मजा आ गया। इसका स्पोर्ट्स मोड डाल के जब मजा आता है ना, सुकून मिलता है अंदर से। हाय विपुल भाई अब आराम से चलो, अब चलेंगे थोड़ा आराम से। तो भाई भाई का इंस्टा अकाउंट का नाम है बीस्ट राइडर 390, यही है ना? रुक जाओ पहले देखने तो मुझे ढंग से। हाँ यही है बीस्ट राइडर 390, तो जाके फॉलो करो। आजकल विपुल भाई ने बहुत सही रील डाली हुई भाई इंस्टाग्राम में, तो जाके देखना और मेरी भी देखना, मैं भी डाल ले रहा हूँ भाई थोड़ी बहुत तो। अबे इसको मैंने सर वहाँ भी देखा था, क्या बोल रहे? इसको लाजपुर में भी देखा था मैंने इसी साइड। ओके हरिद्वार की रोड स्टार्ट, अब मजा आएगा। थोड़ी थोड़ी रोड है यहाँ की ज्यादा सही है, वैसे पता नहीं मेरे को जाना कहाँ है। अभी आगे पे मैप देख लेंगे, मतलब जहाँ से हम जहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि मैप देखना जरूरी है। देखो उसने उठाया कुछ वहाँ से। बाकी भाई ये रोड्स लग तो सही रही है। मैप देखना है भी, आगे पे रुक जाना थोड़ा सा। गाइस वेलकम बैक टू विपुल थॉपर व्लॉग्स चैनल। हाई जैक गाइस, तुम पहुंच गए, देखो फाइनली कहां पहुंच गए? हरिद्वार पहुंच गए, और 90s जीवन की शॉप है। अभी मैं आपको टायर दिखाता हूँ, अभी टायर लगने वाला है, बहुत सेक्सी चीज। टायर देखो गाइस, बस हम एक चीज नहीं कर पाए यहाँ पे, बर्नआउट नहीं मार पाए, क्योंकि यहाँ पे भाई जगह नहीं है बर्नआउट मारने की, आसपास दुकान है तो बर्नआउट नहीं पड़ पाई। बाकी टायर एक बार लग जाए उसके बाद दिखाते हैं।
नरेंद्र के रोड पर रोला होगा इसमें मस्त वाला। अभी इसको एक बार सेट होने तो उसको बाद दिखाता हूँ कैसा लगता है, ठीक है। और विपुल भाई की आरसी का भी काम हो रहा है, स्प्रॉकेट लेके आए हुए। कहा है तुम्हारा स्प्रॉकेट? ये रहा इसके अंदर, अभी ये भी लगेगा उसमें तो फिर आरसी भी सही हो जाएगी। अभी पता नहीं क्या लैग वैग कर रही है, तोड़ रहे ना उसके दांत भाई आरसी के। बोलो कुछ बोलो। मैं कुछ नहीं बोले जाता, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। मेरी भी और बाइक की भी हालत ख़राब हो चुकी है और हम रास्ता भी भटक गए थे बीच में, तो मैप देख देख के आया। रुनेश बेचारे ने मैप देख लिया था। थैंक यू रुनेश, चीज़ के लिए मैप के लिए मैप देखने के लिए। हमारा गाइड हमारे साथ था ना, लोकेशन भेज दी थी बस अक्षय भाई ने, फिर हम वो देख देखते हैं। सही रहा है 160 सेक्शन का टायर है भाई, देखो फाइनली। मैंने बोला था ना कितना टाइम पहले, बोल रहा था भाई कि 160 लगवा लें, 160 लगवा लें। एक साल पहले बैंकर तब से मेरा टायर घिसा ही नहीं था, अब घिस गया है। अब नरेंद्र नगर के रोड पर और घिसे गए। अब जो मज़ा आएगा ना लिटाने में, लीन करने में, वो अंधाधुंध की अंधाधुंध पैसा। देखो गाइस अभी लग रहा है अमित भाई के मैं रियर टायर डनलप का 160 सेक्शन, और मेरे में दिखा दो भाई, इनकी बाइक पे तो लगी लगाओ कुछ, मेरे में लगाओ बवाल 170 कुछ बवाल सा लगा हुआ है। पूरा पूरा जाता ही है, कहाँ जाता है, यहीं तक ही जाता है, यहीं तक जाता है। ये भी वही गई है नरेंद्र नगर की रोडों पे। हाँ वो भी उतनी रपटी है। और अभी यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं स्प्रॉकेट, काम चल रहा है अभी। अभी चलेगा पहले एक गाड़ी का फिर दूसरी गाड़ी का भाई। मेरे को तो वो वहाँ पे जो अरुण भाई खड़ी हो रही है ना, मन कर रहा है वो ले जा लूँ, उसका पोस्टर अच्छा लग रहा है। बाकी क्या माइलेज भी अच्छा लगेगा, माइलेज भी अच्छा लगेगा, 45 का माइलेज देगी बस वही है कि 45 भाई 55 भाई साहब बस वही है, भागेगी नहीं हो फिर। पर भाई 150 के हिसाब से 150 जाती है वो। उसका कलर वैसा लग रहा है मेरे को, टार्जन वाली कार नहीं थी रेसिंग ब्लू, वो यामा गई तो रेसिंग ब्लू भाई। तेरे हेलमेट पहन के मेरे बाल कैसे कबाड़े से हो गए है ना, गंदे से दिख रहे हैं मेरे बाल भाई भी कह रहा गंदे। खड़े खड़े बैठे हुए भाई अभी क्या, खड़े वाला खड़े वाले की मेरे। और मैं वो देख रहा था अभी पुरानी वाली क्लिप में, देखा ये क्या हो रखा है, इसमें घोंसला बना हुआ भाई खतरनाक वाला घोंसला। चलो ठीक है भाई, बाय बाय, बहुत काम किया ना 97 भाई ने आज बाइक में खतरनाक बना दी मेरी। क्या सुपर बाइक भाई, सुपर क्या बोलते हैं, सुपर 310 बना दी। दिखाता आपको क्या क्या हो, देखो ये वाले सस्पेंशन भी ऊपर हो गए, ठीक है। और टायर तो आपको पता ही है पीछे का अपना चेंज हो गया है, ये लगा इसमें डनलप का टायर, और भाई बहुत सही लग रहा है, ग्रिप वगैरह भी सही आ रही है। बाकी सस्पेंशन देखो आप, मेन ये है ना, ये उठ गया यहाँ से, साइड से दिखाता हूँ कैसा लग रही है, देखो आगे से डाउन हो गई है पूरी। अब मजा आएगा इसको चलाने में, थोड़ा पोस्चर भी इसका अग्रेसिव हो गया होगा भाई अब। चले बॉयज, चलो ठीक है अक्षय भाई, मिलते हैं राइट पे फिर कहीं नरेंद्र नगर पे। कुत्ता नहीं बनाते यार हम सीधा घोड़ा बनाते हैं। है ये घोड़ा बना हुआ था इसमें, चीता चीता नहीं यार। चलो बॉयज लेट्स गो, सारा काम पूरा अपना। अक्षय भाई भी निकल रहे हैं। गोप्रो लगा रखा तुम, वो ब्लॉक करते भी नहीं आते क्या? दुकान से घर ब्लॉक करता हूं। ओके दुकान से घर, घर से दुकान, सही है। चलो ठीक है भाई, अरे स्टार्ट हो जा, चलो लेट्स गो। अब चलेंगे भाई देहरादून, एंड देहरादून पता नहीं कितना यहाँ से रुक जाओ। मैंने अपनी ट्रिप भी तो सेट की हुई थी, तो ट्रिप देखते हैं। ट्रिप सी 55 किलोमीटर्स, ओके तो ज़्यादा दूर भी नहीं है भाई, 55 किलोमीटर ही जाना है बस, ज़्यादा नहीं है। पहले यहाँ सिटी से बाहर निकल गया ना, थोड़ा हाईवे पे पहुँचते भाई, क्योंकि रास्ते तो पता ही नहीं है मुझे। अरुणेश को पता है शायद, कहीं पता चल रहा है अंदर ही अंदर घूम गए। तो बाइक में कुछ काम था भाई, वो भी पूरा हो गया। अब अपनी बाइक में कोई खर्चा नहीं है, बस एक खर्चा ये विंडस्क्रीन का यार, इसके अंदर का नेट हो गया फ्री, जिसके अंदर नट लगता है ना वो फ्री हो गया भाई। तो ये विंडस्क्रीन खुल नहीं रही है, साफ़ भी नहीं कर पाता मैं, से बहुत गंदी हो रही है। एंड मेरे पास एक बबल वाइज़र भी है, तो मैं वो भी नहीं लगा पा रहा हूँ इसी वजह से, बस क्योंकि नट खुल नहीं रहा है। आरसी और आरआर की भाई रोज़ रेस हो रही है आजकल, अपने दो लौंडे भाई अपनी वीडियोस रील्स वगैरह बना रहे थे तो मज़ा आ रहा था देखने में। चलो चलो चलो, ओके अरुणेश रोलिंग शॉट्स ले रहा, तो कह रहा भाई थोड़ा आराम से चलो, क्योंकि हम विपुल भाई मैं हम दोनों पेल रहे भाई, मस्त भाई, सही सी हाईवे राइड हो रही है हमारी, एक हाइपर राइड, टायर वायर भी सब बढ़िया हो गए। बस अभी थोड़ा नया टायर है तो भाई थोड़ा आराम से चलाऊंगा इसे, बाकी तो सीधी रोड मिलता है, हम खोल दे रहे हैं पूरी पूरी बाइक।